दुनिया में और पाकिस्तान में लेबर के सिलसिले में बहुत कानून बनाए गए हैं। इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उनके हकूक का तयन किया गया है, उनकी वेजेस का तयन किया गया है और इसके अलावा दीगर मुराद का भी जिक्र किया गया है। पाकिस्तान में स्पेशली अदारे हैं या फैक्ट्रीज हैं, उनके लिए पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है 2010, वो अगर कोई मुलाजमत से जो मुश्किल मुलाजम है उसको अगर निकालते हैं तो वो उनके खिलाफ रेमेडी ले सकते हैं। अगर उनको गलत तरीके से निकाला गया है और उन्होंने अगर कोई मिसकंडक्ट नहीं किया तो वो लेबर कोर्ट में अप्रोच करके अपनी जो है बर्खास्तगी है या और कोई उनके साथ कोई ज्यादती की जाती है, खिलाफ कानून काम किया जाता है, मैनेजमेंट की तरफ से रेमेडी के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। और जो कंसर्न कोर्ट है पंजाब की लेबर कोर्ट्स है जो डिवीजन वाइज बनाई गई है, जिसको हम कहते हैं ट्रांस प्रोविंस ऑर्गेनाइजेशन। अब उनके जो मुलाजमीन हैं उनके लिए भी एक आईआरए 2012 बनाया गया है और उस सिलसिले में एनआईआरसी की कोर्ट स्टैब्लिश की गई है। मुल्तान में भी कोर्ट है, दीगर जो है प्रोविंसेस में भी है, तो वो वहाँ अपने किसी भी जो उनके खिलाफ कोई ज्यादती होती है या उनको कोई जो है गलत तरीके से कोई डिप्राइव किया जाता है उनके किसी भी लीगल राइट से, तो वो उस सिलसिले में एनआईआरसी की कोर्ट में तो उनको वहाँ रिलीफ मिल सकता है। उनके लिए क्या है, एक मिनिमम वेजेस एक्ट भी है 1961 का। अब गवर्नमेंट जो है वो मुलाजमीन की मिनिमम वेजेस को डिटरमिन करती है और फिक्स करती है कि इससे कम उनको वेजेस नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं लोगों को जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं या मुख्तलिफ अदारों में काम करते हैं वो ये देखें कि अगर उनको वेजेस कम दी जा रही हैं तो वो अदारे के खिलाफ रेमडी ले सकती हैं, वेजेस एक्ट के तहत ले सकती हैं और उसके सिलसिले में अथॉरिटी की कोर्ट होती है, जो लेबर डिपार्टमेंट होता है उसमें वो पिटिशन होती है, तो वो जो कम दी जा रही है सैलरी उसके खिलाफ भी वो वहां दायर कर सकते हैं। इसी तरह एक पेमेंट एंड वेजेस एक्ट है 1936 का एक्ट है, उसके तहत अगर कोई अदारा किसी मुलाजमीन के बकाया जात वेजेस नहीं देता, मंथली सैलरी नहीं देता, तो वो उसकी रिकवरी के लिए भी वो अथॉरिटी के साथ वो पेमेंट एंड वेजेस एक्ट के तहत जो अथॉरिटी कायम की गई है उससे वो रेमेडी ले सकता है। जब वो किसी अदारे में काम करते हैं तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि वो अपना काम जो है इंतहाई ईमानदारी के साथ अपनी प्रोफेशनल सलाहितों को बुरोकार लाते हुए अंजाम देना चाहिए, बेमकसद लिटिगेशन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी का कोई जेन्युइन राइट उसको इग्नोर किया गया है, उसको डिप्राइव किया गया है, तो फिर क्योंकि लॉ आपको इजाजत देता है तो फिर आप उसके अगेंस्ट रेमेडी ले सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उसके लिए अदालतें मुकर्रर की गई है, तो आपको अपने जेन्युइन हकूक के लिए जरूर कोर्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन बेमकसद किसी अदारे को प्रेशराइज करने के लिए लिटिगेशन में नहीं जाना चाहिए।